एटम्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, मैटर की बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास मैटर क्या है और ये किससे मिलके बना है। जी एटम से मिलके बना है। मैटर हर वो चीज जो आपके आसपास मौजूद है उसका मास है, ठीक है, और वो क्या करती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऑक्यूपाई वॉल्यूम, यानी कि जगह घेर रही है, खास जगह घेर रही है। जैसे आपका पेन है या आपकी बुक है, आपका माउस कीबोर्ड वगैरह, तो ये सारे हमारे पास क्या है जी, मैटर है। तो यहाँ पर हम एटम की बात कर रहे हैं कि एटम आप किस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हम किसी भी बिल्डिंग को बनाना चाह रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि एक ब्लॉक हम सबसे पहले लेते हैं या एक ईंट लेते हैं बेसिकली, ठीक है जी, और उससे क्या करते हैं, पूरी की पूरी हम बिल्डिंग को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी बड़ी सी बिल्डिंग है तो वो किस तरह से बिल्ड हो सकती है, हमारे पास वो बिल्कुल इसी बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों को हम लेकर जो है मिलाते हैं, तो हमारे पास क्या एक दीवार बनेगी, और इस तरह से बहुत हमारे पास बड़ी जो है बिल्डिंग बिल्डअप हो सकती है। तो इस तरह से हम कहते हैं बिल्कुल सेम इसी तरह से कि हर चीज जो हमारे पास मैटर की मौजूद है, मैटर की फॉर्म में मौजूद है, जैसे किताब है या हमारे पास जो है वो पेन है, हमारा कीबोर्ड है, माउस है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास मैटर है। तो ये किससे मिलके बनी है जी, एटम से। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ये वर्ड कहाँ से आया जी, ये ग्रीक हिस्ट्री से आया, जो फिलोसफर्स थे उन्होंने इसको नाम दिया एटमोस, ठीक है। एटमोस जो है वो हमारे पास इसका मीनिंग क्या है जी, इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी कि जिस चीज को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी, एटम कहते हैं। ये ग्रीक फिलोसफर्स कहते थे कि हम क्या करें, एक कॉपर कॉइन ले लें, ठीक है, और उसके छोटे छोटे हिस्से करते जाएं, ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम मजीद उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। लेट सपोज इसके बहुत छोटे छोटे हम टुकड़े करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस छोटे से हिस्से के हम मजीद और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको वो कहता है जी ये क्या है, हमारे पास एटम है। और यहाँ पर एक और बात कि हमारे पास ये जो छोटा सा टुकड़ा होगा ये क्या है जी, ये हमारे पास बिल्कुल सेम खसूसियात रखता है, इसकी प्रॉपर्टीज इस बड़े वाले सिक्के की ही तरह की होंगी, यानी कि ये हार्ड होगा, जिस तरह से हमारे पास इसका सिक्का हमें कॉपर का नजर आ रहा है। कॉपर जी हमारे पास मेटल होती है जो कि रेड कलर की होती है, आपको अक्सर वायर्स में नजर आ रही होती है, ठीक है। तो ये कॉपर है हमारे पास, इसको कॉपर इस तरह से Cu के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। हार्ड है हमारे पास इसी तरह से। नंबर टू हम कहते हैं कि कलर इसका जो है वो हमें ऑरेंजिश ब्राउन सा या ऑरेंजिश रेड सा नजर आता है, ठीक है, और इस तरह से हम कहते हैं कि इसका कलर भी बिल्कुल सेम है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट वही रहेगा जो कि हमारे पास बड़े वाले सिक्के का है। तो ये सारी की सारी खसूसियात, बहुत सारी इसमें खसूसियात जो है वो बिल्कुल हमारे पास जो है बड़े वाले सिक्के की ही तरह रहेंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये छोटा यूनिट जो है हमारे पास क्या है, बहुत छोटा, जो हमें नेकेड आई से भी नजर नहीं आता, वो हमारे पास क्या है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं एटम, ठीक है जी। तो मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर बात की मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बेसिकली हमारे पास सॉलिड अगर कोई चीज हो, ठीक है, और उसको हम हीट करें और किसमें कन्वर्ट कर दें, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो इसको हम कहते हैं जी ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हमने बात की कि एटमोस किस तरह से हमारे पास जो है वो इनडिविजिबल की फॉर्म में, हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि इनडिविजिबल यानी कि फर्दर उसको ग्रीक फिलोसफर्स कहते थे कि ब्रेक नहीं हो सकता। लेकिन आजकल की जो हमारे पास न्यू इन्वेंशंस हैं और न्यू थेरीज हैं वो ही हमें बताती हैं कि हम एटम्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये थेरी हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल थी, जॉन डॉल्टन ने एक इसके बारे में दी थी, वो क्या थी दी कि हर चीज जो है वो एटम से मिलकर बनी हुई, यानी कि स्मॉलेस्ट जो हमारे पास चीज है वो एटम है बेसिकली, और इसी से मिलके हमारे पास हर बड़ी चीज जो है वो बनती है। तो इसको हम कहते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक वाला जो सारी की सारी थेरी थी वो हमें बेसिकली किसने दी, जॉन डॉल्टन ने दी। इसके अलावा हम एटम को देख नेकेड आई से देख नहीं सकते, यानी कि हमें आम आंख से एटम जो है वो नजर नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसके लिए स्पेसिफिक 1981 में, यहां पर हम लिखते हैं जी 1981 में, एसटीएम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है जी, 1981 में, जिसके जरिए से ये देखा गया कि एटम क्या हमारे पास किस तरह से उसको उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, या एटम हमारे पास किस तरह का है। तो वो उसने जो हमें दिखाया स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी ने, वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर था, चले हम इसके पहले ले आते हैं पूरा का पूरा एसटीएम, इसको शॉर्ट हम एब्रिविएशन फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर भी हमें लिख देना चाहिए, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी इसको कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है जी बहुत छोटे चीज को देख लेना, ठीक है, और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी से जो हमें एटम के बारे में इंफॉर्मेशन मिली वो हमें कुछ इस तरह से मिली थी जी।
गोल्ड का और सिलिकॉन का बेसिकली किया गया। गोल्ड जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास मटेरियल होता है, सोना जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हमें जो है गोल्ड के इस तरह से एटम नजर आए, ठीक है जी। और जो हमारे पास सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन हमारे पास सेमीकंडक्टर है, ये भी एक मेटल है जी, ठीक है। और इसकी कंप्यूटर की चिप्स वगैरह इससे बनाई जाती हैं, और बहुत सारी जो है वो इससे काम लिए जा रहे हैं। तो रेत में बेसिकली ये बहुत छोटे छोटे चमकती हुई आपको जो चीज नजर आ रही होती है वो सिलिकॉन होती है जी। उसका स्ट्रक्चर इस तरह से नजर आया और गोल्ड का इस तरह से। तो टू सम एक्सटेंट हमें इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी से जो है वो नजर आ गया। यानी कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी जो है हमारे पास एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, एक इस तरह की हम कह सकते हैं कि मशीन है कि जिससे हम माइक्रोस्कोपी यानी कि बहुत छोटे लेवल पे एटम के बारे में जान सके। उसके बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन फर्दर मिली कि वो इस तरह से हमारे पास एटम जो है वो फॉर्म होता है, इसके हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास नजर आ रहा है इसके दो हिस्से हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है पिंक कलर का, वो हमारे पास क्या है जी, वो है हमारे पास बहुत ही छोटा सा न्यूक्लियस, ठीक है, डेंसर पार्ट है। चले हम इसको पहले ये लिख देते हैं, एक डेंस पार्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी, हमें डेंस पार्ट नजर आया, या डेंस पार्ट हम इसको लिख देते हैं चले, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जी डार्क पार्ट जो हमारे पास है, ठीक है, इसको हम इस तरह से चलें लिख देते हैं। ये हमारे पास जो डार्क पार्ट है वो हमारे पास क्या है जी, बहुत ही ब्लैकेंड हुआ हुआ है, हाईली डेंस हमें नजर आ रहा है। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं कि हमारे पास डार्क पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में हम इसको बताते हैं। ये हमारे पास डार्क पार्ट है एक सेंटर में, और दूसरा जो हमें नजर आ रहा है वो क्लाउड फॉर्म नजर आ रही है, यानी कि जिस तरह हमारे आसमान में बादल होते हैं बिल्कुल इस तरह से हमें ये नजर आ रहा है। तो जो सेंटर में डार्क पार्ट है उसको हम कहते हैं जी न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होता है जी, न्यूक्लियस में जो है हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोटॉन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, पी से मैंने इसको जाहिर किया है, और दूसरा हमारे पास न्यूट्रॉन होता है जिसको एन से जाहिर किया, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। यहां पर मैं लिख देती हूँ नो चार्ज, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जबकि क्लाउड में जो है क्या मूव कर रहे होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए ई जाहिर किया मैंने, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो किया है, तो इसके ऊपर हमारे पास क्या है जी, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां पर मैं लिख देती हूँ नेगेटिव चार्ज, और ये जो हमारे पास है प्रोटॉन के ऊपर वो क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। इससे हमें पता चल गया ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल हैं, जो कि हमारे पास क्या है जी, सेंटर में प्रोटॉन अवेलेबल है न्यूक्लियस में, और न्यूट्रॉन भी अवेलेबल जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, और नेगेटिव चार्ज जो है यहां पर मूव कर होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं किसी भी एटम में, इसीलिए इनकी तादाद बराबर होने की वजह से एज अ होल एटम जो है वो क्या होता है जी, न्यूट्रल होता है। क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए एटम जो है वो एज अ होल न्यूट्रल होता है। इसके साइज के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारे पास शेल होता है, ठीक है, अगर हम एटम की एज अ होल बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम में हम इसको शो करते हैं, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है जी, 10^-10 मीटर के बराबर होता है। जबकि अगर न्यूक्लियस की बात करें तो ये हमारे पास न्यूक्लियस दिखाया हुआ जिन्होंने बड़ा करके, जिसमें 2 प्रोटॉन रेड कलर के और 2 न्यूट्रॉन पर्पल कलर के दिखाए हुए, इसको हम कहते हैं यहां पर हम लिख देते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी, ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इतने मीटर के बराबर होता है। जबकि ये हमारे पास न्यूक्लियस का जो साइज है, ये हमारे पास पूरे एटम का साइज था जिसको यूजुअली एंगस्ट्रॉम में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूक्लियस के साइज को अगर बताना चाहें तो 1 फेम्टोमीटर कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं 1 फेम्टोमीटर, और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 10^-15 मीटर। तो ये इसका साइज है जी न्यूक्लियस का, और ये हमारे पास जो है वो एटम का साइज है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया कि एटम जो है वो किस तरह से हमारे पास मौजूद होते हैं, और ये क्या होते हैं जी, बिल्डिंग हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं किसी भी मैटर के, छोटे छोटे एटम्स जो है मिलके हमारे पास बड़ा मैटर बना रहे होते हैं। और इंडिविजिबल जो हमारे पास थी फिलोसफी वो ये थी कि हमारे पास एटमोस से वर्ड ये डिराइव हुआ था, लेकिन आजकल हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इनके बहुत सारे और भी पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है जी। तो इसमें हमने डिफाइन किया एटम्स एंड ये क्या है जी, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है।